हमारे इस न्यूज के पेशकर्ता हैं गुड चॉइस फर्नीचर और अमगट्टा रोड वट्टापल्ली हैदराबाद। आज टोटल 16 किलोमीटर चलने के जुम्मा डे है इंशाल्लाह। आप सब लोग दुआ करो जुम्मा का नमाज के बाद, हम भी जुम्मा का नमाज के लिए मस्जिद चल के जाएगा। शिया भाई भी आगे चल रहे हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जुम्मा मुबारक शिया भाई की तरफ से, शिया भाई की पूरी टीम की तरफ से। और माशाल्लाह इस वक्त शिया भाई ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर सफर तय कर चुके हैं पैदल मस्जिद की तरफ, क्योंकि हम सबको पता है, क्योंकि इस्लाम में है कि लगातार 3 जुमा जो है वो आपके जमात के साथ में होने चाहिए। तो इसीलिए जो है हर जुमा जो है माशाल्लाह पैदल तकरीबन मस्जिड जो है यहाँ से आफिया किड स्कूल से जो मस्जिद है वो तकरीबन 8 किलोमीटर पे है, और 5 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन हम तय कर चुके हैं। और जैसे जैसे आपको सबको पता है माशाल्लाह इस वक्त देखिए अल्लाह के नेक बंदे आपके सामने आगे चलते नज़र आ रहे हैं, और माशाल्लाह इन्हें इसी तरह सेहत कुव्वत और जज्बा दे, और इनकी अच्छी आगे दुआओं के लिए हम लोग आपसे दरख्वास्त करते चलते हैं। और दूसरी चीज़ आपको पता है जुमा के सारे अरकान, चूँकि जैसे कि साहब भाई हमें सब बताते रहते हैं जुमे के सारे अरकान, तो सुबह उठो गुसल के टाइम नियत करो, सुरमा लगाओ, साफ कपड़े धुले पहनो, उसके बाद में जुमे के सारे अरकान वो पूरी टीम को बताते हैं कि किस तरीके से हमें जुमे के लिए अपने आप को सारी सुन्नतें पूरी करनी है। और माशाल्लाह इसी तरह 8 किलोमीटर अभी जाना है, और 8 किलोमीटर नमाज के बाद में वापस आफिया किड्स स्कूल हम लोग पहुंचेंगे। तो सारी टीम को 8 किलोमीटर टोटल 16 किलोमीटर जो है वो टोटल हमारा सफर रहेगा आज मस्जिद तक जाने का। और जामा मस्जिद दीन मोहम्मद जो कि बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है, हिस्टोरिकल मस्जिद है, वहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। और माशाल्लाह यहाँ से जो है तकरीबन 3 किलोमीटर का सिर्फ सफ़र बाकी रह गया है। और इसी तरीके से आज सारी टीम को जुमे के सारे अरकान उन्होंने बताए, और इसी तरह सुबह हर चीज़ों की उसमें तालीमी जो है सब तालीम में उनको उन्होंने सब चीज़ों को बताना होता है, और बाकायदा सारे अरकान पूरे करके नमाज के लिए जाते हुए, और सुबह मुलाकात को जितने साथी आए थे माशाल्लाह उन सब से उन्होंने मुलाकात करी और सबको नमाज की दावत दी है, और वो भी सारे नमाज के लिए माशाल्लाह पहले पहुंच गए। उनको समझाया जाता है कि सिक्योरिटी का थोड़ा पर्पस है, नमाज की नियत है, तो इसलिए अभी आप फ़ोटो वगैरह ना करें। तो सारे माशाल्लाह जिन जिनको नमाज की दावत दी थी वो सारे इस वक्त मस्जिद में इंशाल्लाह उम्मीद है पहुँच चुके होंगे, बावजू अपनी अपनी सुन्नतें भी वो अदा कर रहे होंगे। तो मैं सारे व्यूअर्स सारे चैनल पर सुनने वाले देखने वाले उन सब से गुजारिश करूँगा कि जुमे की नमाज के बाद में जो दुआएँ हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें कबूलियत होती है, और अल्लाह ने इसीलिए जुमे को रखा हुआ है, जुमे की नमाज को रखा हुआ है। आप सब हम सब मिलके शाबाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, अगले सफ़र के लिए इंशाल्लाह दुआ करें, और यही दुआएं जो हैं उन्होंने ही अगला सफ़र उनका आसान करना है। तो मैं एक बार फिर आप सबको जुमा मुबारक शाबाई पूरी की टीम की तरफ से मैं आपको देना चाहूँगा जय दिल से, और फिर वही दुआओं के लिए आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग दुआओं में खुसूसी तौर पर जो है अपने आप लोग रिश्तेदारों को जो भी जिसको भी आप जानते हैं नहीं जानते हैं सबसे रिक्वेस्ट है जैसे आप भाई के लिए इंशाल्लाह दुआ करें अगला सफ़र उनका जल्दी शुरू हो। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अपनी लड़की को दीजिए खुशियों का तोहफा, चले आइए गुड चॉइस फर्नीचर जहां मकसाम के फर्नीचर दस्तियाब है, बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, और इसके अलावा आपकी लड़की के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 50,999 रुपए में। इसके साथ डबल डोर अलमारी और कूलर बिल्कुल फ्री, और 69,999 रुपए में मुकम्मल फर्नीचर के साथ डबल डोर अलमारी सोफा सेट बिल्कुल फ्री। आज ही तशरीफ लाएं प्रोप्राइटर शेख खालिद, हमारा एड्रेस है वट्टापल्ली औरमगट्टा रोड महमूदा होटल। तो देर किस बात की, अभी तशरीफ लाएं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8655070751, 9700422320।